CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे महान खिलाड़ी की कहानी जिसके मैदान में उतरते ही विरोधी टीम में मच जाती थी खलबली और खेल प्रेमी दर्शकों में ही नहीं पूरे राष्ट्र में मच जाती थी सनसनी। खेल जगत में वो रोमांच और निपुणता का पर्याय था, इसलिए तो उसे हॉकी का जादूगर कहते थे। उस महान खिलाड़ी को दुनिया मेजर ध्यानचंद के नाम से जानती है। ध्यानचंद एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन से पूरी दुनिया में हॉकी का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही भारत को हॉकी खेलने वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। उनका नाम सदैव खेलों के विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे कि वे खेल के मैदान में किसी भी कोण से निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। वे अपनी गोल करने की अद्भुत प्रतिभा के बारे में जाने जाते थे, यानी इधर उन्हें मिली बॉल और उधर हुआ गोल। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था, जिसका नाम अब प्रयागराज है। मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यानचंद सिंह था। उनकी माता का नाम शारदा सिंह और पिता का नाम शमेश्वर सिंह था। पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे, इसलिए समय समय पर उनका तबादला होता रहता था। कुछ समय पश्चात ध्यानचंद के पिता का स्थानांतरण झांसी में हो गया और तब ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने लगे। पिता का बार बार स्थानांतरण होने के कारण उनकी पढ़ाई बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाई, लेकिन उनका मन खेलों में खूब लगता था। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ की डाली की हॉकी स्टिक बना लिया करते थे और कपड़े की गेंद बनाकर खेलते थे। एक बार की बात है, ध्यानचंद अपने पिता के साथ हॉकी का खेल देखने गए। मैच चल रहा था, लेकिन एक पक्ष बहुत ही मजबूत था जबकि दूसरा पक्ष बेहद कमजोर। मजबूत टीम गोल पर गोल कर रही थी। किशोर ध्यानचंद ने जब एक पक्ष को बुरी तरह से हारता हुआ देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने चिल्लाकर अपने पिता को कहा कि यदि उन्हें हारने वाली टीम में शामिल कर लिया जाए तो इस मैच का परिणाम ही बदल जाएगा। पिता भला क्या कहते। लेकिन ध्यानचंद की इस बात को सुनकर तभी वहां खड़े एक ऑफिसर ने ध्यानचंद को खेल के मैदान में जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही वो खेलने उतरे, वहां का पूरा दृश्य ही बदल गया। उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 गोल कर दिए। एक और गोल। लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद जो तालियां बजी वो जीती हुई टीम के लिए कम और ध्यानचंद के लिए ज्यादा थी। उस समय उनकी आयु मात्र 14 साल की थी। उनकी इस प्रतिभा को देखकर 16 साल की उम्र में ही उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया। आर्मी में कार्यरत होने के कारण उनके पास हॉकी खेलने का समय नहीं होता था, और फिर भी उनकी हॉकी की दीवानगी का हाल ये था कि उस समय वे रात को चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे। साथ खेलने को अगर कोई नहीं मिलता तो अकेले ही हॉकी स्टिक और बॉल लेकर ड्रिबलिंग किया करते थे। हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी और लगन ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया और वे भारतीय सेना की कई यूनिट्स में बेहद लोकप्रिय हो गए। और अब समय आ गया था इतिहास बनाने का। 21 वर्ष की उम्र में ही वे न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम के सदस्य के रूप में चुन लिए गए। इस मैच श्रृंखला में भारत ने 21 में से 18 मैच जीते। और अब धीरे धीरे उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी और आखिरकार वो समय आ गया
जब 23 साल की उम्र में ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारतीय टीम के सदस्य के रूप में चुना गया। यहाँ भी उन्होंने अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने भारतीय टीम द्वारा खेले गए 4 मैचों में 23 गोल किए और भारतीय टीम विजयी रही। भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और फिर आया 1936 में बर्लिन ओलंपिक, जिसमें ध्यानचंद को टीम का कप्तान बनाया गया। वो दिन था 15 अगस्त का। बर्लिन का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। उस दिन मैच था भारत और जर्मनी के बीच। दर्शक दम साधे बैठे थे। लोगों में भारी उत्साह था, क्योंकि उस दिन का मैच देखने जर्मनी के चांसलर भी आ रहे थे। चांसलर थे अडॉल्फ हिटलर। हिटलर के स्टेडियम में आते ही जनता में रोमांच सा भर गया। नारे लगने लगे, तालियां बजने लगी और पूरा माहौल गर्मा गया। खेल शुरू हुआ। जैसा हमने बताया था, इधर मिली बॉल और उधर हुआ गोल। इस मैच में यही हुआ। जर्मनी के खिलाड़ी मानो गेंद छूने को तरस गए थे। इस मैच में भारत का पलड़ा भारी रहा, और इतना भारी रहा कि भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया और स्वर्ण पदक जीता। इस मैच में 6 गोल ध्यानचंद ने ही किए थे। वो मैच एक बार फिर ध्यानचंद के नाम हो गया। ये एक ऐसा मैच था जिसमें 20 मिनट के बाद जर्मनी की जनता भी भारत के लिए नारे लगाने लगी। हिटलर ध्यानचंद से बहुत प्रभावित हुए। जब खेल खत्म हुआ तो उन्होंने ध्यानचंद को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया और अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कहते हैं कि हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में बहुत ऊंचे ओहदे की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। इस अद्भुत प्रतिभा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भारतीय सेना में उन्हें पदोन्नति दी गई और वे मेजर बन गए। ऐसा माना जाता है कि ध्यानचंद ने अपने हॉकी जीवन में जितने गोल किए, उतने गोल 5 खिलाड़ी भी कुल मिलाकर अपने जीवन में नहीं कर पाते। आइए आपको एक और मजेदार वाक्या सुनाते हैं। खेल जगत के कुछ लोगों और अंपायरों को शक था कि मेजर ध्यानचंद खेल में कोई ना कोई बेईमानी जरूर करते हैं। बात हॉलैंड की है। मैच चल रहा था। उनके करिश्माई खेल का ऐसा जलवा दिखा कि मैच को बीच में ही रोक दिया गया। दर्शक भी चकित रह गए कि इतना रोमांचकारी मैच बीच में रोका क्यों गया। एक विशेषज्ञों की टीम बाकायदा बुलाई गई थी। मेजर ध्यानचंद से उनकी हॉकी स्टिक ले ली गई और सारी जनता के बीच उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ दिया गया, वो भी कई टुकड़ों में। जनता चकित थी कि ये हो क्या रहा है। अच्छा खासा मैच रोका क्यों गया, स्टिक क्यों तोड़ी जा रही थी। दरअसल विशेषज्ञों की टीम ये जांच कर रही थी कि मेजर ध्यानचंद की स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं है। और ऐसी ही एक घटना जापान में भी हुई। मैच से पहले उनकी स्टिक को प्रयोगशाला में ले जाया गया और बकायदा उसका परीक्षण हुआ, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उसमें कोई विशेष तरह की गोंद तो नहीं लगी है। सन 1948 में मेजर ध्यानचंद 43 वर्ष की आयु में सेना से सेवानिवृत्त हुए। उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से पुरस्कृत किया और घोषणा की कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो उनका जन्म दिवस भी है। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई, जिसमें उनके 4 हाथ हैं और चारों में स्टिक पकड़े हुए हैं। दिल्ली के एक स्टेडियम के नाम को उनके नाम पर रखा गया है।
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी कहा गया। तीन दिसंबर 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। उनका काल भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद हर भारतीय हॉकी खिलाड़ी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। राष्ट्र उनके अपूर्व योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण कुसुमलता, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।